तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल में। क्या दोस्तों, आपको पता है रेलवे का डीजल इंजन कितना माइलेज देता है? आपने कई बार भारतीय रेलवे के इंजन के बारे में सोचा होगा। भारतीय रेल के इंजनों में तीन तरह की डीजल टंकियां होती है, जिनमें पहली 5000 लीटर, दूसरी 5500 लीटर और तीसरी 6000 लीटर की होती है। हम सभी को पता है कि गाड़ी में जितना ज़्यादा लोड होता है, गाड़ी उतना ही कम एवरेज देती है। ऐसा ही कुछ भारतीय रेल के डीजल इंजन में भी है। डीजल इंजन में भी प्रति किलोमीटर का एवरेज गाड़ी के लोड के मुताबिक ही तय होता है। अगर गाड़ी 24 डिब्बों की है तो लगभग 6 लीटर डीजल में 1 किलोमीटर का एवरेज आता है। इसके अलावा अगर 12 डिब्बे की पैसेंजर गाड़ी है तो उसमें भी 1 किलोमीटर का एवरेज 6 लीटर डीजल में ही आएगा, क्योंकि पैसेंजर गाड़ी हर स्टेशन पर रुकती है। इस वजह से इसके ब्रेक लगाने और स्पीड बढ़ाने में ज़्यादा डीजल खर्च होता है। वही एक्सप्रेस गाड़ियों की बात करें तो उनमें भी लगभग 4.5 लीटर में 1 किलोमीटर का एवरेज आएगा, क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन पैसेंजर ट्रेन की तुलना में बहुत कम जगह रुकती है। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ऑल कर दीजिए, ताकि आप हमारे वीडियो के हर नोटिफिकेशन देख सकें, जिससे हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं।